आज का जो टूर प्लान है वो है झांडी का, और मैं अभी जिस स्टेशन पे खड़ा हूँ, इस स्टेशन का नाम है डामडीम, जो कि डुअर्स का एक बहुत ही फेमस स्टेशन है, क्योंकि अगर आप झांडी जाना चाहते हो तो आपको डामडीम स्टेशन पे आना ही होगा। और डामडीम स्टेशन से होते हुए हमारा गाड़ी वेट कर रहा है उस तरफ, और हम गाड़ी से चल के ही झांडी के लिए जाएंगे। और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल रोम विथ रॉन, और मैं आज आप लोगों को जिस जगह पे लाया हूँ, ये जगह है झांडी। झांडी नॉर्थ बंगाल का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर एक गांव है। यहाँ पे होम स्टेस है लेकिन बहुत कम। हम लोग जिस कॉटेज पे रुके हैं वो है ये, बिल्कुल वुडन स्ट्रक्चर का बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉटेज, और मैं आपको ये घुमा के दिखाऊंगा। और ये बहुत खूबसूरत है, झांडी जितना खूबसूरत है और ये कॉटेज उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आइए मेरे साथ। ये मेरा एक मोटू फ्रेंड, नाम है बाहुबली। Come with me. ये है हमारा कॉटेज, और ये आप देख सकते हो कि पूरा वुडन स्ट्रक्चर का बना हुआ है। इसमें डाइनिंग टेबल और इस तरफ एक बालकनी भी है, यहाँ से बहुत ही सुंदर नजर आता है। झांडी में रुकने का जो भी जगह है उनमें से ये एक बहुत खूबसूरत जगह है, इसको बोलते हैं द रिट्रीट। ये एक रूम है, इसमें मैं और मेरा दोस्त भी शेयर करने वाले हैं, और ये बहुत खूबसूरत नजर आता है यहाँ से। बिल्कुल आप यहाँ सोकर ही यहाँ का नजारा एंजॉय कर सकते हो, ये काफी खूबसूरत है। और ऊपर और एक रूम है, ये है और एक रूम ऊपर का। ये है और एक बालकनी जो कि सामने की तरफ है। उस जगह से खाना परोसा जाता है, और यहाँ पे जो भी लोग रुकते हैं वही से स्पेशली खाना आता है। आइए, अभी मैंने आपको जो दिखाया वो था फ्रंट व्यू, और ये है इस कॉटेज का बैक साइड व्यू, और नीचे खड़ा है मेरा मोटू दोस्त। और यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। झांडी ये गांव बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे वैसे गाड़ी बुक करके घूमने लायक और स्पॉट्स जाएंगे, साइट सीन घूमेंगे, उस तरह का कुछ उतना है नहीं। लेकिन ऊपर उस तरफ ऊपर एक व्यू पॉइंट है, हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन रास्ता भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लोगों के घरों के बीच में से होकर जाना पड़ता है, और ये बहुत खूबसूरत है।
ये है झांडी का एक हाउस जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, बहुत ही खूबसूरत 360 डिग्री एंगल पूरा यहाँ से दिखता है, जैसे कि आप पूरा देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और मैंने आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखाया अभी, वो किस तरह का है, बहुत खूबसूरत है।